press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हैदराबाद से बेंगलोर के हार के कारण के बारे में। मैच हारने का पहला कारण यह था कि बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं की। अगर आप लगातार दो मैच हार जाते और अपोजिशन टीम के खिलाफ उसके होम ग्राउंड पर खेलने जाते हैं तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहिए और यही चीज बेंगलोर के हार का कारण बनी। दूसरा कारण यह था कि टीम ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। शायद बॉलिंग अच्छी नहीं होने का कारण यह भी था कि टीम में चहल के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको कभी भी विकेट दिला सके। बॉलिंग हमेशा से इस टीम की कमजोरी रही है और इस कमजोरी से टीम को पार पाना ही होगा। तीसरा कारण यह था कि टीम का सिलेक्शन सही नहीं था, क्योंकि जब आपके पास टीम साउथी जैसे अच्छे बॉलर हो और हेनरी क्लासन और हिम्मत सिंह जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो तो उसे आपको खिलाना चाहिए, और अगर आप लगातार मैच हार रहे हो तो आपको बदलाव करना ही चाहिए। चौथा कारण यह है कि टीम ने बैटिंग सही नहीं की। इस टीम के पास सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप है, फिर भी टीम अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रही है। पूरी टीम या तो विराट कोहली या तो एबी डिविलियर्स पर निर्भर रहती है। जब दोनों चलते हैं तो टीम जीतती है, जब दोनों नहीं चलते तो टीम धराशायी हो जाती है। इन सब चीज़ों को टीम मैनेजमेंट को देखना होगा और सभी चीज़ों को ठीक करना ही होगा। पांचवा कारण यह है कि विराट कोहली ने कप्तानी अच्छी नहीं की, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे मैच में उनका कोई भी डिसीजन सही नहीं था। विराट कोहली को टीम को पटरी पर लाना ही होगा, तभी टीम अच्छा करेगी। आशा करूंगा टीम आगे अच्छा खेले। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए क्रिकेट फिल्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।